हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि पीटी की तैयारी हमारा चैनल कराएगा, अगर इस वीडियो में अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं तो ये सीरीज चलती रहेगी। ये गारंटेड है कि आप 80+ अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। बस 20 दिन आप पढ़ाई को दे दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पीटी के आप किसी भी UP SSC की वैकेंसी में आवेदन नहीं कर पाएंगे। और प्रस्तावित वैकेंसी इवनिंग वाले वीडियो मैंने बताई थी कौन सी पीटी की वैकेंसी इस बार आ सकती है। सबसे बड़ा चांस है लेखपाल का, लगभग 4,000 पदों पे वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, हर बार ये वैकेंसी आती भी नहीं है, तो प्रिपरेशन कर लीजिए। तो आज हम आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो टॉपिक दिया है 5 नंबर में आपके एग्ज़ाम में आएगा। केवल लिमिटेड पढ़िएगा, पूरा मत पढ़िएगा। आपको PhD नहीं करनी है, केवल 90% जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल लिमिटेड आती हैं। तो लिमिटेड तैयारी करिए, सिलेबस के इतर ना जाइए, जितना सिलेबस में है उतना ही तैयार करिए। अब बात करते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। देखिए, आपको पता है 1857 में शुरू हुआ था, और कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा गाय की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था। कहाँ पे? कारतूसों में, जिसका बैरकपुर की छावनी में तैनात मंगल पांडे ने इसका पूरा विरोध किया। उसके बाद उनको फांसी दी गई। बाद में इसका विद्रोह होने लगा क्योंकि बाकी जो सैनिक थे और उन्होंने विद्रोह कर दिया, और मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई। मेरठ मतलब दिल्ली के आसपास ही है, और मेरठ वैसे है तो यूपी में, लेकिन दिल्ली से बहुत ही कम दूरी पर है। अब 1857 क्रांति के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इंग्लैंड के PM कौन थे? पाम स्टेन। दिल्ली से जो नेता थे जिन्होंने नेतृत्व किया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, उसमें दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहब, फैजाबाद से मौलवी अहमद अली या मौलवी अहमद उल्ला, इलाहाबाद से लियाकत अली, और जगदीशपुर से कुंवर सिंह। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे एक प्रश्न एग्जाम में जरूर आ सकता है, तो आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 2-3 बार इस वीडियो को 2x की स्पीड में देखेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। और इसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ, देखिए ये क्रांति पूरी तरह से सफल तो नहीं हो पाई, लेकिन इसने अंग्रेज़ सरकार को जो है वो हिला दिया, पूरी तरह से हिला दिया। और इसी क्रांति को दबाने के लिए उन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। और कांग्रेस में कौन कौन से नेता थे, कांग्रेस के बारे में कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसका दूसरा जो भाग है बहुत जल्द आपके सामने आएगा, और उसमें पूरा आपका भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। हमने शुरुआत 1857 से की है, 1857 से 1947 तक की पूरी जानकारी आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। कांग्रेस के बाद क्या होता है, गांधी जी भारत कब आते हैं, गांधी जी का युग क्या था, गांधी जी ने क्या क्या किया, वो सब आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। परिणाम, बहुत बड़ा परिणाम यही था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई, और गवर्नर जनरल जो पद था उसको समाप्त करके नया पद वायसराय बना दिया गया, और अंतिम गवर्नर जो भारत के थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, और नए वायसराय भी इन्हीं को बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को। इसके बाद जितने भी आएंगे सब वायसराय होंगे, और उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि भारत हमारा देश 1947 में आज़ाद हो चुका था, और अंतिम वायसराय आपको पता है लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद ये वाला पद ही समाप्त कर दिया गया, और राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पद है। ये रहा हमारा आज का वीडियो, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।